व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई एम बैक विद न्यू चैलेंज और आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ मैकडोनल्ड बर्गर, बर्गर किंग एंड बर्गर फार्म। तो चलो इनको पहले अनबॉक्सिंग करता हूँ और स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज। देखते हैं कौन सा अच्छा है इनमें से और इनके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है बर्गर किंग में, बर्गर किंग के अनबॉक्सिंग करने के बाद ये बर्गर, बर्गर किंग का। ये है वेज वेलकानो और चिकन फ्राई, चिकन फ्राइज है इसमें, स्ट्रिप्स है पत्ते पल्ली सी बस। तो ये तीन क्वांटिटीज मैंने ली किसे बर्गर किंग से। अब चलो चलते हैं मैकडोनल्ड के पास। बॉक्स में ऊपर बॉक्स आ गया। ये है मैकडोनल्ड का सॉस, साइड में देता हूँ, निकालता हूँ कैश में। ये मैकडोनल्ड का बर्गर साथ में, ये क्या ये है फ्राइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं बर्गर किंग का बर्गर, तो मैं साइड कर देता हूँ। देखिए बर्गर किंग का है, इसमें मुझे क्या मिला है मैं देखूँ अंदर। सॉस है, चीज़ है और इधर सॉस लगा है और बीच में आलू टिक्की है। बर्गर किंग तो स्टार्ट होते हैं। सुन फ्रेंच फ्राइज मेरे ढूंढ से, इतना खास भी नहीं है। मुझे मुझे बाहर बर्गर खाते हैं, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा है। चिकन फ्राइज है थोड़ा सा, ठीक ठाक है। ब्रेड है, ब्रेड चिकन थोड़ा सा ही बस। ये मैकडोनल्ड की तरफ से आया था साथ में 200 बदल के कोक, इसमें देखा थोड़ा सा दिखा
चलो गाइस अब ट्राई करते हैं मैकडोनल्ड का बर्गर, देखते हैं इसमें क्या खास है। बाहर से तो सारे जिस रहे, इसमें बस दो तीन पत्ता को भी एक्स्ट्रा लग रही मेरे को। इसमें वाइट सॉस मायनीज भी है, देखिए पास्ता का टिक्की मायनी पत्ता को भी। उसका जो तो ब्रेड है एज कम्पेयर टू बर्गर किंग है थोड़ा तो सॉफ्ट है। बर्गर किंग से जी बेटर है। बात करो उनकी तो बर्गर किंग चाहे मैकडोनल्ड एवरेज उतना खास नहीं लगे मेरे को, इनसे बेटर तो हमारे गली में कॉर्नर पे है बर्गर वाला, शानदार बनाते हैं। चलो मैं ट्राई करता हूँ वेज मेरकानो, एक बार अलग बड़ा डिफरेंट है, इसको भी देख लेते हैं इसमें वो क्या है। अंदर वही सेम चीज़ पता होगी और सॉस है, देखिए पास है आप ज़्यादा बेटर है बर्गर से। चल गई पेप्सी क्रिस्पी है, थोड़ा सा स्पाइसी भी है, वो आगे से सॉस बाहर गई थी स्पाइसी है। मैकडोनल्ड्स के बर्गर से 2 से 3 गुना ज़्यादा अच्छा है, आप भी ट्राई कर सकते हैं वेज मेलकानो फ्रॉम मैकडोनल्ड। अभी दोनों सेम है, मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा अच्छा है, जिसे मैं एक ही खाऊंगा फायदा नहीं को खाने से। ये लास्ट वन है बर्गर फार्म का बर्गर, मैकडोनल्ड कंप्लीट बर्गर किंग कंप्लीट, अब लास्ट बर्गर फार्म सो देखते हैं। ये एज कम्पेयर टू बहुत थोड़ा सा लार्ज है, इसके अंदर भी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसमें टमाटर भी है देखो वो थोड़ा अच्छा छिपा हुआ टमाटर, टमाटर और प्याज है। तो बर्गर फार्म में मुझे एक्स्ट्रा चीज़ मिली वो है टमाटर और प्याज, आलू टिक्की तो खैर थी। इसका बन भी उसे मैनो इधर था सॉफ्टी है अच्छा है। सोच देना थोड़ा सा हुआ ब्रेक है बर्गर किंग मैकडोनल्ड, अच्छा मुझे लगा इसमें मसाला मेरा अच्छा है। आप ट्राई करना बर्गर फार्म,
मटर भी डाल। कंप्लीट हुआ। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि बर्गर फार्म इज बेस्ट एज कम्पेयर टू मैकडोनल्ड एंड बर्गर किंग। इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। मुझे जो लगा मैंने बताया, हर व्यक्ति को अपने टेस्ट के बारे में एक्सप्रेस करने का पूरा है। अच्छा मैं भी करूँगा। लिटरली मुझे बर्गर फार्म पसंद आया एज कम्पेयर टू दोनों के। लेकिन मैकडोनल्ड का जो वेज बिरयानी था, आप प्लीज़ जरूर ट्राई करना, बेस्ट है। अगर आप बर्गर ट्राई नहीं भी करते हैं तो दिक्कत नहीं है, तो इसको अपॉर्चुनिटी भी है, पी लेता हूँ। तो वैसे आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।